फ्रेंड्स, चाय की शुरुआत तो भारत से ही हुई है और हम में से अधिकतर लोग अपने दिन की शुरुआत एक कप चाय के साथ करते हैं। चाय बहुत ही स्वादिष्ट पेय है जो लोगों को बहुत पसंद आती है। चाय पीने से थकान दूर हो जाती है और आप चुस्त भी महसूस करते हैं। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि चाय नुकसान करती है, नहीं पीना चाहिए। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि चाय क्या किसी भी चीज़ को अगर आप संतुलित मात्रा में लेंगे तो वो नुकसान नहीं करेगी बल्कि फ़ायदा ही करेगी। क्योंकि कहा भी गया है कि अति सर्वत्र वर्जिते, अर्थात किसी भी चीज़ की अति करना हानिकारक है। फ्रेंड्स, वैसे तो चाय बहुत प्रकार से बनाई जाती है, जैसे कि अदरक की चाय, ग्रीन टी, ब्लैक टी। लेकिन आज की वीडियो में मैं एक ऐसा चाय मसाला बनाने का मेथड शेयर कर रही हूँ जो चाय को और भी स्ट्रॉन्ग बना देगा और फ़ायदेमंद भी बना देगा। और अगर आप ये मसाला चाय पीना शुरू करेंगे तो नॉर्मल सर्दी जुकाम जो सीजन बदलने पर हो जाते हैं उनसे दूर रह पाएंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए जल्दी से देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने लिए यहाँ पे हरी इलायची 1/4 कप, 1 टेबल स्पून ली है हमने यहाँ पर काली मिर्च और 1 टीस्पून लौंग, 4 से 5 टुकड़े दालचीनी के और 35 से 40 तुलसी पत्ती। एक पैन में सभी मसालों को अच्छी तरह से भून लेना है। थोड़ा सा ही भूनना है हमें, क्योंकि जो गैस का फ्लेम है वो बिल्कुल लो रखना है। भूनने से अच्छी सुगंध भी आ जाएगी और इसको ज़्यादा समय तक इसको रखा भी जा सकता है। तो बस इसको हल्का 1-2 मिनट अच्छे से भून लें। अब इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे जैसे कि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए और उसके बाद इसे मिक्सर में पीस लेंगे। अभी हमने तुलसी की पत्ती को भी धोकर के साफ कर लिया था और सुखा भी लिया था, उनको भी हम एक पैन में अच्छे से थोड़ा सा ड्राई होने तक भूनेंगे। एक अच्छी सुगंध आ जाती है, वैसे तो ऐसे भी पिस जाएगी वो। तुलसी की पत्ती बहुत फ़ायदा करती है और आप इसमें और भी मसाले जैसे कि जायफल या फिर बड़ी इलायची भी डाल सकते हैं। मैंने नहीं डाली है और सौंठ भी मैंने नहीं डाली है, और अगर आप चाहें तो सौंठ भी डाल सकते हैं। क्योंकि अभी इस समय अदरक आ रहा है तो मैं अभी अदरक डालती हूँ, और जब अदरक नहीं आता है तब मैं सौंठ मिला देती हूँ इसमें। अब ये मसाला ठंडा हो गया है, अभी इसे हम अच्छे से पीस लेंगे। ये देखिए अच्छे से पिस गया है। इसे एक जार में भर देंगे। जार को मैंने पहले से ही धो करके साफ कर लिया है, अच्छे से सुखा लिया है। इसे छानना नहीं है क्योंकि जब हम चाय छानेंगे ना तो ये वैसे ही उसके साथ छन जाएगा। इसे आराम से आप काफी दिन तक ये चल जाता है और जब खत्म हो जाए तो आप दूसरा बना लीजिए। बहुत ही टेस्टी चाय बनती है इस मसाले से। देखिए मैंने एक चिट लगा दी है इस पे। तो जैसे मैं घर पे नहीं हूँ या बच्चे भी बनाते हैं कभी चाय, तो वो देख लें कि इसमें चाय मसाला रखा हुआ है। चिट तो मैं हमेशा ही लगा देती हूँ डिब्बों पर, जिससे परेशानी नहीं होती और आसानी से सामान मिल जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम बताते हैं आपको कि इसका यूज़ कैसे करना है। तो हम बनाएंगे चाय। यहाँ पर मैंने 1 कप पानी डाल दिया है, थोड़ी सी चाय पत्ती डाल दी है और थोड़ी सी चीनी, अदरक डाल दिया है मैंने इसमें। अब इसको अच्छे से उबलने देंगे क्योंकि
क्योंकि इस समय अदरक आता है ना, तो मैं मसाला में सॉल्ट नहीं मिलाती हूँ, नहीं तो मैं जैसे गर्मियों के लिए कभी बनाती हूँ तो मैं उसमें सॉल्ट मिला देती हूँ। ये देखिए मैंने दूध भी डाल दिया है, अभी अच्छे से उबल रही है, 2 से 3 मिनट अच्छे से इसे उबालना है और इसके बाद अब हम डालेंगे इसमें 1/2 चम्मच चाय मसाला। अगर आपको और स्ट्रॉन्ग पीनी है तो आप इसमें और मिला सकते हैं, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें चाय मसाला डाल सकते हैं। बहुत ही टेस्टी चाय बनती है और बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद भी होती है ये। ये देखिए बनकर के तैयार है, आप ही पीजिए और अपने आप को सर्दी जुकाम से भी दूर रखिए। फ्रेंड्स, सर्दियों का मौसम हो और गर्मा गर्म चाय की प्याली और वो भी मसाले वाली, तो एकदम से मज़ा ही आ जाता है। तो देर किस बात की, जल्दी से बना लीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि आपको ये कैसा लगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय।